हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। और Tier 3 का जो SSC CGL 2020 है, उसके Tier 3 पेपर के मार्क्स का वेट कर रहे होंगे कि कब Tier 3 के मार्क्स आएंगे, क्योंकि Tier 2 के मार्क्स आ चुके हैं और सभी Tier 3 के मार्क्स की वेटिंग में है कि कब Tier 3 के मार्क्स आए। तो देखिए, आज हम कुछ पॉइंट पे बात करने वाले हैं। आज हमने 4 पॉइंट लिए हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, एक टैक्स असिस्टेंट का प्रमोशन क्या है? ये बात हो रही है CBIC की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की। ये CBDT की बात नहीं है, CBDT होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स में TA या इंस्पेक्टर, और ये है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST एक्साइज में इंस्पेक्टर। तो आज हम 4 पॉइंट पे बात करेंगे। देखो, TA का प्रमोशन क्या है, इंस्पेक्टर का प्रमोशन क्या है, क्या प्रमोशन जोन पे डिपेंड करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हाँ यार, क्या जोन पे डिपेंड करते हैं क्या प्रमोशन? और प्रमोशन पे बहुत सारे फेक वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें वो आपको एक इंस्पेक्टर को कमिश्नर तक की पोस्ट पे लेके चले जाते हैं कि नहीं, आप इंस्पेक्टर पे ज्वाइन करोगे, कमिश्नर भी बन जाओगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। आपको पता है, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में, या फिर ये एक्साइज डिपार्टमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट में एक ड्रेस कोड होता है। इंस्पेक्टर में आपको ये वाला 46 ग्रेड पे ग्रेड पे ये 3 स्टार मिलते हैं। इनका कलर ऐसा होता है, जबकि आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है 46 से 48, तो आपके स्टार का कलर चेंज हो जाता है, स्टार ये 3 ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि लोगो वगैरह आ जाता है या आप IRS में चले जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, इंस्पेक्टर से आप 46 पे ग्रेड में लगते हो, उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट का, तो आप 46 पे ग्रेड में चले जाते हो। और दूसरी बात, ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस कोड केवल आपको जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही पहनने को मिलता है। अदरवाइज आप नॉर्मल डे में एक सिविल ड्रेस में रहते हो, जो सभी ऑफिस का माहौल एकदम नॉर्मल रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई इंस्पेक्टर अलग 3 स्टार वाली ड्रेस पहन के आ रहा है, सुपरिटेंडेंट 3 स्टार की ड्रेस पहन के आ रहा है, और डिप्टी कमिश्नर अलग ड्रेस पहन के आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक नॉर्मल ड्रेस में आते हैं सभी। अब देखो, प्रमोशन एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं हम। यदि आप सबसे पहले TA ज्वाइन करोगे, तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा सीनियर TA, जो CBIC में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में। अब आपको कम से कम मिनिमम 10 साल तो लग ही जाते हैं, ये चाहे कोई सा जोन हो, चाहे आपका साउथ में हो, चाहे आप नॉर्थ में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, आपको TA से सीनियर TA में 10 साल लग जाएंगे। ओके, और उसके बाद आप बनोगे एक्साइज इंस्पेक्टर या GST इंस्पेक्टर। अब देखो, बात करते हैं एक नया जो बंदा है, जो इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है, उसके बाद में उसको इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बनने में कितना टाइम लगता है। और साथ ही मैं ये बता दूं कि सीनियर TA से इंस्पेक्टर बनने में भी, ये TA से 5 साल सीनियर TA, सॉरी 10 साल टीम सीनियर TA एंड 5 साल फिर एक्साइज इंस्पेक्टर बनने में, एक TA को 15 साल इंस्पेक्टर बनने में लग जाएंगे। अब चलो, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि यदि किसी बंदे ने एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है, उसे सुपरिटेंडेंट बनने में कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है आपका जोन पे, जोन वाइज डिपेंड करता है। जैसे सबसे ज़्यादा फास्ट प्रमोशन देखे गए हैं कर्नाटका जोन में। कर्नाटका जोन में आप विदिन 5 ईयर में आप सुपरिटेंडेंट बन जाओगे। विदिन 5 ईयर में आप एक्साइज इंस्पेक्टर, यदि कर्नाटका जोन में लगे हो, GST इंस्पेक्टर हो, तो आप सुपरिटेंडेंट 5 साल में बन जाओगे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रमोशन होता है असिस्टेंट कमिश्नर का, AC का असिस्टेंट कमिश्नर होता है। इसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है, 10 साल लग जाएंगे कम से कम आपको। तो
आप मान के चलिए कि 15 साल में आप एक तरह से एसी बन जाओगे, इसके बाद में 10 साल आपको डीसी बनने में लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे डीसी बनने में, आपको 10 साल लग जाएंगे। तो देखो लगभग 25 की सर्विस हो गई है, और इसके बाद में आप मैक्सिमम प्रमोशन, एक इंस्पेक्टर मैक्सिमम प्रमोशन डीसी तक जा सकता है, बस इसके आगे उसका प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन उसका लास्ट प्रमोशन यही होगा, उसके पीरियड काल में आप डीसी तक जा सकते हो। अब देखो हम बात करते हैं कि बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिला होगा कि वो इंस्पेक्टर को, एक एक्साइज इंस्पेक्टर सुप्रिटेंडेंट बनाते थे 5 साल में, फिर 5 साल में एसी बना देते हैं, फिर 5 साल में डीसी, फिर जेसी, फिर एडीसी और फिर कमिश्नर। ऐसा कुछ नहीं है। एक इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल के थ्रू एक इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है, वो लास्ट प्रमोशन डीसी, बस डीसी तक जा सकता है, इसके आगे प्रमोशन बहुत कम होते हैं। अब आपको दूसरी बात बताते हैं, यदि कोई बंदा यूपीएससी क्लियर करके आता है तो वो सबसे पहले एसी बनता है, सीधा सीधा इस कैटेगरी में आता है, वह एसी बनता है। यूपीएससी वाले जरूर डीसी बनते हैं, फिर जेसी बनते हैं, फिर एडीसी बनते हैं और लास्ट में कमिश्नर बन जाते हैं, कमिश्नर तक वो भी रिटायर हो जाते हैं। इससे भी आगे प्रमोशन है, यदि जैसे 21 ईयर या 22 ईयर में, या फिर आपका वर्क प्रोफाइल बहुत ही हाई फाई है, तो आप यूपीएससी के थ्रू इससे आगे भी जा सकते हो, प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर मेंबर बोर्ड, इस तरह से आगे प्रमोशन होते हैं। लेकिन आपको एक एसएससी सीजीएल के थ्रू कोई बंदा एस्पिरेंट्स आया है, एक्साइज इंस्पेक्टर कर निकाला है जिसने, वो डीसी तक जा सकता है। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे फेक वीडियो है, जिनमें आपने कई बंदों को ऐसे देखा होगा कि नहीं आप कमिश्नर तक जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक बातें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आएँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।